दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कोहरा यानी कि फोग कैसे बनती है, और साथ ही साथ हम जवाब देंगे इसी के साथ रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कोहरा एक नेचुरल वेदर कंडीशन है जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो जाता है। इसकी वजह से कई सारे सड़क हादसे हो जाते हैं और स्कूल्स का समय बदल दिया जाता है। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कोहरा बनता कैसे है। पर पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कोहरा भी बादल का ही रूप होता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से बादल पानी की उन बूंदों से बनता है जो भाफ में बदल जाती है, ठीक वैसे ही कोहरा भी पानी की उन बूंदों से बनता है जो हवा में होती हैं, जिसे हम मॉइस्चर भी कहते हैं। बादल और कोहरे की फॉर्मेशन अलग अलग ढंग से होती है, जिसकी वजह से बादल आकाश में और कोहरा ज़मीन पर बनता है। कोहरा बनने के पहले प्रोसेस का नाम है इंफ्रारेड कूलिंग। दरअसल ये तब होता है जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है। गर्मियों के दौरान धरती सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही इस ज़मीन के ऊपर से हवा गुजरती है तो वो हवा थोड़ी वार्म और मॉइस्ट यानी कि नमी वाली हो जाती है। जब मौसम बदलता है यानी कि सर्दियाँ आ जाती हैं, तो वो मॉइस्ट और वार्म हवा ठंड के साथ टकराती हैं, तो हवा के अंदर मौजूद नमी यानी कि पानी के पार्टिकल्स कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोहरा अस्तित्व में आता है। कंडेंस होने का मतलब यानी कि पानी की गैसियस फॉर्म का बूंदों में बदल जाने से है। इस तरह से बनी हुई फोग को कभी कभार रेडिएशन फोग भी कहा जाता है, और यह सबसे कॉमन फोग की फॉर्म है। फोग बनने का एक और तरीका भी है। इस तरीके में मॉइस्चराइज्ड हवा को दूसरी हवाएं ठंडी जगह तक धकेलती हैं, और वहां जाकर मॉइस्चराइज्ड एयर फिर से कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से कोहरा बन जाता है। इस तरीके से बने कोहरे का साइंटिफिक नेम एडवेक्शन है। दोस्तों, इसके अलावा हेल फोग और फ्रीजिंग फोग भी नई प्रकार की फोग है। दरअसल इनके बनने का प्रोसीजर भी पहले प्रोसेसेस जैसा ही है। इसके अलावा हम कई कबार वाटर बॉडीज पर यानी कि पानी की सतह पर कोहरा देखते हैं। दरअसल ये तब बनता है जब ठंडी हवा किसी वार्म वाटर की सरफेस पर से गुजरे। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कोहरा तब बनता है जब ज़मीन और हवा का तापमान अलग अलग होते हैं। पर कोहरा कितनी देर तक रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो बना किस तरीके से है। अब ये सब जान लेने के बाद कि कोहरा बनता कैसे है, हम पता लगाएंगे कि ज़्यादातर हमें सुबह के वक्त पर दिखने वाला कोहरा दिन में गायब क्यों हो जाता है। कुछ लोगों के हिसाब से जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो सूरज की किरणों की वजह से कोहरा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो सूरज की गर्मी की वजह से हवा और ज़मीन गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से हवा का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोहरे के अंदर मौजूद पानी की ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से कोहरा दिन के वक्त गायब हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोहरा भी बादल का ही रूप होता है, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? तो इनमें फ़र्क ये है कि कोहरा ज़मीन पर बनता है जबकि बादल आकाश में बनता है। कोहरा कंडेंसेशन से बनता है और बादल इवेपोरेशन से बनते हैं। बादलों की डेंसिटी कोहरे से ज़्यादा होती है। दोस्तों, शुरू में हमने आपको यह भी बताया था कि कोहरा कई सारे हादसों का कारण बनता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी संस्थाएं इसका सामना कैसे करती हैं। तो नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA स्पेस में दो तरह की सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी हैं, जिनमें से पहली है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट के रेवोल्यूशन के साथ रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से किसी जगह पर वेदर का हमें साफ साफ पता लग जाता है। दूसरी सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो पोल्स के अराउंड चक्कर लगाती है और दुनिया के हर कोने को आराम से देख सकती है। इन दोनों सैटेलाइट्स की हेल्प से हमें ये पता लगाने में आसानी होगी कि कोहरा कब और किस जगह पर बनेगा, जिससे कि एयरलाइंस और ड्राइविंग कॉरपोरेट्स को इसके बारे में पहले सूचित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सर्विसेज का टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा NOAA सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा सुधार कर रही हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सेंड की जा सके और ख़तरनाक हादसों से निपटने के लिए पहले ही अच्छी तरह से तैयारी कर ली जाए। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।